तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। जोधपुर के लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार है कि जोधपुर में इलेक्ट्रिक लोको और वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलेगी। तो इलेक्ट्रिक इंजन की बात तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। आज ये वीडियो पूरा होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि राजस्थान की पहली है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जोधपुर से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, कोटा और उदयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलना प्रस्तावित है, लेकिन राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस का किसी भी जगह पर डिपो न होने के कारण अभी तक राजस्थान को कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिली है। सितंबर 2023 तक जोधपुर और जयपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपो बन जाएगा और श्रीगंगानगर में भी वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपो प्रस्तावित है। तो सितंबर से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस चलना संभव नहीं है राजस्थान में। जोधपुर से जयपुर के बीच सितंबर में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, उसका जो टाइमिंग रखा गया है वो बेहद ही अजीब है। जोधपुर से जयपुर 310 किलोमीटर है और अखबार में ऐसा आया है कि मात्र 1 घंटे और 45 मिनट में यह दूरी तय कर ली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन 177 यानी लगभग 180 की रफ्तार से दौड़ेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर से जयपुर खंड के बीच में ट्रेन केवल 110 की रफ्तार पर दौड़ती है। LHB ट्रेनें भी 130 पर नहीं चलती, तो 180 की रफ्तार पर ट्रेन चलना संभव ही नहीं है। यदि वंदे भारत एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर माने तो भी 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा जयपुर पहुंचने में। ऐसे में यह कहना कि जोधपुर से जयपुर केवल 2 घंटे से कम में तय कर लिया जाएगा सरासर गलत है। लेकिन सितंबर से जोधपुर जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, यह पक्का है। इसके निर्देश दे दिए हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने। अब बात करें जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के रखरखाव के डिपो की, तो यह 140 करोड़ की लागत से बनेगा और यह भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा। पिछले दिनों जोधपुर DRM और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था और जगह चिन्हित की थी। इस डिपो का प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, जिससे कि स्वीकृति भी दे दिए रेलवे ने। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर जो लास्ट वाली वॉशिंग लाइन है और सेकेंड गेट के बीच जो बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, वहीं पर मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जाएगा। आप इन फोटो में देख सकते हैं कि ये जो जगह खाली पड़ी है, संभवतः इसी लाइन पर बनाया जाएगा डिपो। रेलवे ने पटना स्थित वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन WPO को इसका काम सौंपा है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह रेलवे देगा WPO को और WPO की तरफ से मशीनरी, उपकरण, टेक्नोलॉजी और मैन पावर की व्यवस्था की जाएगी। WPO पहले जगह का सर्वे करेगा और फिर नक्शा बनाकर कार्य चालू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोस को पाने के लिए। तब तक के लिए गुड।